हेलो गाइस, मेरा नाम प्रशांत, आप देख रहे हैं ईवी टेक गेम। तो चलिए गेम खेलते हैं। और आज मैं स्टीयरिंग व्हील का गेम प्ले लेके आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं माइकल का रोल कर रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है माइकल और मैं सबसे पहले जा रहा हूँ यार प्रॉपर्टी बाय करने। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने गैराज और गैराज से उठाऊँगा अपनी एक कोई सी अच्छी सी कार, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। और एक सेकेंड, यहाँ से अपन को आगे भी तो देखना है। सोच रहा हूँ सीधे से कार निकाल लेता हूँ, सीधे से तो निकल ही जाएगी आराम से। और घर ऐसी बनवाओ कि आराम से वहाँ पे कार निकल जाए। और यहाँ पे आगे मिशन है, तो आज अपन को मिशन नहीं करना है, आज मेरे को जाना है दूसरे काम से, तो मिशन किसी और दिन करेंगे। जो कितने प्यार से गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलाने का असली मज़ा ऐसा ही आता है। यह जला लिया अपन ने। पर चल भाई, हजार्ड क्यों चल रही है? चलो भाई, ये देखो आते साथ ऐसा गाड़ी लेके आते हैं लोग। और यहाँ पे अपन को चलना है लेफ्ट साइड, इंडिकेटर चला ना। हाँ, और इसमें बढ़िया ऑटोमेटिक इंडिकेटर लगा हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। आप पकड़ी गाड़ी स्पीड अपनी, अभी तक तो मजाक चल रही थी। लगभग 100 के ऊपर तो चलना ही चाहिए यार, तभी तो असली मज़ा आता है। ये देखो, ये 100 के ऊपर दबा दिए गाड़ी। ओ भाई, क्या शानदार स्टंट भाई, यार तगड़ा स्टंट करते हो यार तुम तो। और गैराज भी मेरा बस आने ही वाला है। ए हे 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 हे, बहुत ही गंदा चलाया भाई तुमने तो गाड़ी। अभी तो बचा दिए, इंडिकेटर भी जला लियो मैं। अरे यार, मेरे को तो गाड़ी तो बाहर पार्क करनी पड़ेगी। खैर, चाबी लगा के छोड़ दूंगा, कोई तो पार्क कर ही देगा। मैं लगा देता हूँ गाड़ी को अपनी यहाँ पे। चलो अब चलते हैं अंदर, अपनी गाड़ी वगैरह को देखते हैं और कौन सी गाड़ी निकालते हैं, डिसाइड करते हैं अंदर चल के ही। आज लगता है पुरानी टाइप की गाड़ी निकालूँ क्या? अरे यार, इससे चलते हैं, ब्लैक वाली से। यार स्पोर्ट्स कार की बात अलग लेवल की होती है ये बात। भाई आवाज़ सुन रहा हो? इतनी शानदार आवाज़ दिया इस गाड़ी में यार कि क्या ही बोले। ये भाई, हाँ तो प्रॉपर्टी अपने को आया था फ़ोन, इससे आया था क्या फ़ोन? पिक्चर्स से, हाँ पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि पिक्चर्स से ही आया था फ़ोन। और इस बार चलो ख़रीद लेते हैं पिक्चर्स को। तो रोड भी, स्पोर्ट्स कार चलाओ तो बिल्कुल अलग। भाई क्या तो गाड़ी है यार ये तो, थोड़े से एक्सीलरेटर में भाई आवाज़ सुन रहे हो, क्या आवाज़ कर रही है गाड़ी। एग्जॉस्ट बहुत ही शानदार दिया है इसका। और पिक्चर्स बस यहीं कहीं पे है, ऐसी गाड़ी से आए भी हैं अपन, यहीं है पिक्चर्स। चल भाई, क्या भाई प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी आज से अपनी। पैसा तो अपने पास पर्याप्त है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो लेना ही चाहिए यार, ज़रूरी है। हर हफ्ते हम लोग को इसमें 7100 डॉलर हर हफ्ते हम लोग को मिलेगा इस यहाँ से। इतना कमाई ठीक है यार, अब एक बार है और क्या है, तो बार में इससे ज़्यादा भी कमाई तो होगी नहीं। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, फिर धीरे धीरे अपना बढ़िया प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाएगा। आज कम से कम मेरे को 3 प्रॉपर्टी तो लेना ही लेना है। दूसरी एक क्लब करके था ना अपना, पिछला एपिसोड देखे होगे जिसमें मैं क्लब भी लेने वाला था, लेकिन एक FIB वालों ने बुलाया था तो मैंने क्या कहते हैं वो क्लब नहीं ले पाया था। मैडम साइड हटेंगी? अच्छा रोड क्रॉस चल कर रही हैं, कोई बात नहीं। ये आ गया मैसेज, पिक्चर्स अपने नाम पे हो चुकी है। ऐसे स्पोर्ट्स कार की ना रेडियस बहुत कम होती है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे उसको चलाना भाई सीधा थर्ड गियर लगाओ, सबसे बेस्ट।
फोर्थ भी डाली तो यार, नहीं तो फिर बाद में पता चला दिक्कत हो। लग रहा मेरे को तो लग रहा है फिफ्थ फिफ्थ डाल के फुर्सत करो यार। चलो फिफ्थ डाल ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा पिकअप हो जाता है ना तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ पे सही है, सीधे चल भी रही है गाड़ी। ये दबा दिया अपन एक्सीलेटर 100, तो गाड़ी ऐसे चुटकियों में छूती है भाई भाई भाई। यहीं से काट देता हूँ ना इंडिकेटर जला के। इंडिकेटर जला क्यों नहीं भाई, इंडिकेटर ख़राब हो गया क्या? पक्का इंडिकेटर में प्रॉब्लम आ गई है। कोई नहीं यार, बनवा लेंगे, आगे कोई है तो नहीं। आवाज़ तो सच में, थोड़ा सा एक्सीलेटर में पैर रखो, ये ऐसा आवाज़ करती है गाड़ी बिल्कुल। भाई गाड़ी चलाने का असली मज़ा तो सच में स्टेयरिंग व्हील में ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आजकल तो देख रहे हो कितनी शानदार ये गाड़ी हो गई है। बस अपन आ गए हैं गोल्फ क्लब भी। चलो रे मेरे को प्रॉपर्टी लेने दो। ये है, अब इंडिकेटर चालू हुआ है, ये है। गाड़ी यहीं खड़े करने तू, चलो कोई नहीं, पार्किंग में डाल देता हूँ गाड़ी को। चलो हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी हमको दे दो। इतना महंगा, चलो पैसा तो है मेरे पास, मैंने भी कुछ समय पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, लेकिन इतना महंगा, बाप रे। ये तो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है यार। चलो कोई नहीं, लगता मेरे को यहाँ की सबसे महंगी प्रॉपर्टी यही है गोल्फ क्लब। हवा से अपनी हुई 15 करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद ली अपन, मींस 1.5 बिलियन। भाई साहब इतनी महंगी प्रॉपर्टी, पैसा भी मेरे पास ख़त्म होने वाला है यार। 1.9 बिलियन बस बचा है। क्या यार ये क्या है, इतनी खतरनाक इतनी महंगी प्रॉपर्टी। किसका फ़ोन आया भाई? Los Santos. Hello, Mr. DeSanta. Haan. My name's Raymond. I'm the general manager at the Golf and Country Club. I wanted to personally welcome you as the new owner. I just wish we treated you better as a member. We had no idea you were this rich. Ah, that's all right. Now, Raymond. तारीफ कर रहा है. Don't have to worry about that silly dress code now. And obviously, I play for free. Of course. Well, maybe not free. It is a business, after all. We have books, but heavily discounted. Congratulations again, Mr. DeSanta. चल चल चल, फोन रख, ज़्यादा बकर मत कर। साले बिजनेस बता रहा है मेरे को। और कोई अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह हो तो यार कहीं पे? ये तो हैं। अरे यार मैं सोच रहा था कि वो खरीद लूँ। हाँ ये हैंगर खरीद लूँ एक आध। हैंगर में क्या कहते हैं, अब यार एयरपोर्ट वगैरह भी जाना होता है बाहर वगैरह, जैसे कि मेरे को लिबर्टी सिटी जाना हुआ या वाइस सिटी जाना हुआ, तो उसके लिए एक प्राइवेट प्लेन रहेगी अपनी खुद की। तो प्राइवेट प्लेन आगे चल के ख़रीदने का प्लान तो मैं कर रहा हूँ, 10 मिलियन के समथिंग की है, ज़्यादा की नहीं है। तो वही मैं सोच रहा था कि ख़रीदने का, तो पहले अपन उसके लिए जगह तो ख़रीदें कि जहाँ पर अपने को अपना प्राइवेट जेट ख़रीदना। भाई यार हद हो गई यार, क्या बोल रही है, निकल। अबे डरो मत, किसी को कुछ नहीं करूंगा, वो ज्यादा बोल रही थी। एक तो गलती उसकी, ये भाई ये मरेगा, ये बंदा मरेगा। इतना गंदा कौन चलाता है गाड़ी भाई, आराम से चला ले। ओ भाई रॉन्ग वे, ये क्यों रॉन्ग वे चल रहा है वैसे? अरे सामने लगता पोर्शे जा रही है। अब बहुत हुआ यार, बच्चे भाई 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 हो गया, खर्चा आ गया अपनी गाड़ी में। खैर कोई नहीं, इतना खर्चा तो अपन संभाल ही सकते हैं। भाई यार ये गाड़ी सच में यार बहुत ही तेज चलती है यार। बच गई, अब भी ठोक जाती गाड़ी। और यहाँ पे बहुत ही कर रहा बच्चे, चलो कोई नहीं, लगता है यहाँ पे ऐसे ही चलना पड़ेगा। अरे एयरपोर्ट जाना है भाई, थोड़ी सी जगह दे दो। थोड़ा सा जगह दे दो यार, अब मैं थोड़ा सा
फर्स्ट व्यू में चलाता हूँ और फिर देखो। हाँ तुमको बस कार चाहिए है ना, वाह, आई टोटली नीड दैट कार, फकिंग इडियट। यहाँ मेरे को थोड़ा सा पहुँच जाने दो बच्चे। देखे फर्स्ट व्यू में होने में यही फ़ायदा है, अपन गाड़ी आराम से चला लेते हैं। खैर इसमें देखने में दिक्कत जाती है ये मेरे को पता है, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ ऐसे गाड़ी चला लेता हूँ। नीचे साइड से जाना है अपन को और यहाँ से ये रोड पकड़ के, ये तो अपन हाईवे आ गए ना, अब तो दबाएंगे एक्सीलेटर यार, अब तो दबाएंगे ही। बीच वाले से जाना है भाई, बहुत ही शानदार यार, रोड तो चुम्मा रोड है यार, एक नंबर। खैर ये चीज़ तो मैं देखा हूँ कि एयरपोर्ट वगैरह की रोड और एयरपोर्ट बहुत ही शानदार रहते हैं, बहुत ही अल्टीमेट दिखते हैं। जगह दे दे भाई, यहाँ से मेरे को नीचे कुदाना पड़ेगा गाड़ी को। भाई रास्ता तो बता दो, मैं कुदा तो दूंगा, मैं गाड़ी तो बनवा लूँगा। खैर गाड़ी को सर्विस पे तो ले जाना ही है, कुदा ही देता हूँ। ओ भाई इतना गंदा, चलो कोई नहीं। अरे मेरे को सामने का दिखाओ भाई, तोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं लो। चल भाई खोल। अच्छा ऐसे खोलेगा नहीं ये है ना, पहले उतरेंगे, पहले प्रॉपर्टी बाय करेंगे तब ये खोलेगा। हाँ भाई 13,78,000, 13,78,600 डॉलर। तो आज से ये प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी नहीं एक हैंगर, सिर्फ एक हैंगर। और भी हैंगर खरीद सकते हैं क्या भाई बताना ज़रा, नहीं एक ही हैंगर सिर्फ। ओ भाई ये हुई ना बात, अब जो यहाँ पे प्लेन खड़ी होगी वो सब अपन चला भी सकते हैं आराम से। और ये देखो गेट भी खुल गया, जैसी प्रॉपर्टी बाय की है, इज्जत देखो इतनी शानदार इज्जत। चल बे खोल, अरे बात अब कोई पुलिस केस नहीं चढ़ेगा। और यहाँ पे अपना खुद का हैंगर भी हो गया है, अब तो स्पीड टेस्ट भी हो जाएगी शानदार तरीके की। ओ भाई ये हुई ना बात, ओ गजब, अब मज़ा आ रहा है। ऐसे जगह में मिलती है गाड़ी की टेस्टिंग करने का मज़ा, देख रहे हो। ओ भाई ऑफ रोड में भी पता चल गया कि ऑफ रोड में जैसी पहुंचती है गाड़ी स्लिप होती है बहुत तगड़ी तरीके की। इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं अपन यहाँ से। चल बेटा ये अपनी आज की लास्ट प्रॉपर्टी थी, तो 3, 2, 1 गो। ये बात, चल 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 भाई साहब, टॉप स्पीड देख के जरूर बताना कितना गई गाड़ी। और सामने रोड खत्म, भाई क्या ग्रिप गाड़ी की यार, बहुत ही शानदार ग्रिप है यार। अपने हिसाब से तो मैंने टॉप कुदाया है गाड़ी को, अब आप लोग बताना ये कहाँ गए अपन यार। लेकिन क्या गाड़ी भागती है यार, ये बहुत ही शानदार। आवाज़ भी इतना शानदार दिया है ना इस गाड़ी में कि क्या बताऊँ मैं आवाज़ के लिए। तो इसको छठवा लगा के देखूँ क्या, लो भाई छठवा भी लगा दिया मैंने इसमें, इसमें तो 7 गियर दिए हुए हैं, 7 गियर तो मेरे इसमें गियर वाले में भी नहीं है। खैर कोई नहीं कुदा के देखते हैं अपन। भाई साहब क्या भाग रही है यार ये गाड़ी, इसको फर्स्ट व्यू में देखूं, ओ भाई बहुत ही ख़तरनाक। और इतने में ओ गजब ग्रिप, भाई स्लिप हो गई भाई, ग्रिप भी बहुत अच्छा चल रही थी यार। चल 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 माइकल माइकल कम ऑन,
माइकल तू ही है जो इस गाड़ी को कुदा सकता है पूरे तरीके से। यस माइकल कम ऑन 170 माइकल और 180 टच कर दे माइकल 180 टच कर दे 181 182 183 180। ब्रेक लगा ले माइकल घुस जाए गाड़ी अभी भाई। क्या देख रहा हूँ ब्रेकिंग सिस्टम कितना शानदार ब्रेकिंग सिस्टम दिया है यार मानना पड़ेगा बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है ये। ये ज़्यादा लंबा हाईवे है क्या देखते हैं। नहीं ये लंबा हाईवे मेरे को तो नहीं लगता। 170 बकवास। ओ भाई यहाँ तो आगे कुछ है ही नहीं यार। लेकिन सच में क्या गाड़ी है यार अब समझ में आ रहा है। चलो अपन को जाना कहाँ से एग्जिट कहाँ से है इसका। ये अपन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई। भाई 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 बची इसका कोई एग्जिट बता दो मुझे। ये है एग्जिट पक्का यही है ना लगता तो नहीं है। प्लेन व्लेन खड़ी है यहाँ पे। चलो अपन अपने हैंगर पे चलते हैं। घूम रहा हूँ भाई खरीदा हूँ यहाँ पे अपना हैंगर यार तो घूमू नहीं। चलो ये है एग्जिट। चल भाई खोल इधर से जाना है राइट साइड से। चल खोल बे खोल ही नहीं रहा है यार। अरे खोल दे भाई खोल दे हट तेरी ऐसी की तैसी खोल रहा नहीं है। मैं रॉन्ग साइड आ गया खैर कोई नहीं। यहाँ से चलते हैं अब। तीन प्रॉपर्टी अपन बाय कर लिए हैं अब यहाँ से सीधा चलते हैं अपने गैराज में अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करते हैं तब तो मज़ा आएगा। अभी तो बहुत लंबा टूर पे चलना है भाई पूरा गाड़ी घुमाना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट ले लूँगा लेकिन मैं शॉर्टकट लूँ तो लूँ कैसे इधर से। ओ आगे से है रास्ता ये सीधा टर्न करेंगे अपन। पांचवे गियर में कौन टर्न करता है यार। ये हुआ टर्न अपनी गाड़ी। भाई इतने ही में अपन कुदा लेंगे अब गाड़ी को। कौन सा लेते रास्ते से इससे। ओ भाई 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बहुत ही शानदार यार गाड़ी का लुक क्या लुक है यार सच में पीछे से कितनी शानदार दिखती है यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऐसी गाड़ी आपको लग कैसे रही और स्टीयरिंग व्हील का ये गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगता है। वैसे फ्रैंकलिन सोच रहा था कि वो बीच बीच में जो क्या कहते हैं कैब सर्विस बाय किया है तो मेरे से पूछ भी रहा था कि क्या मैं बीच बीच में कैब वगैरह चला सकता हूँ। तो मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल लोगों को दिखाओ स्टीयरिंग व्हील में कैब चला के कि कैब की सर्विस भी कैसी होती है। वो उसने कैब सर्विस वो अपना मैं बोला कि चल यार तू भी अपना खुद का बिजनेस वगैरह कर मेरा तो चल रहे हैं अभी पिक्चर्स वगैरह खरीद लिया गोल्फ क्लब खरीद लिया तो भी छोटा मोटा बिजनेस में वो भी कर रहा है काम अपना कैब सर्विस वगैरह करेगा उससे भी उसको पैसा वगैरह कुछ कमा लेगा। खैर ज़रूरी है आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों ने चोरी की थी तो उसका पैसा सब अपन बांट लिया था आपस में तो अब हो गया उसका चल रहा है बढ़िया। अब वो बताएगा यार एक आध महीना चला के देखे कैब सर्विस क्या है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो कैब सर्विस में खुद भी कैब चला सकता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है यार। कम से कम खुद कैब वैब चला के थोड़ा पैसा कमाए। भाई तू मरेगा तू मरेगा। अरे रुक गोली नहीं है क्या ले साले। जब दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है और ऊपर से इतना खतरनाक केस हो गया। हो जाने तो केस साला मैं तो चला गाड़ी खड़े करूंगा पूरी गाड़ी की नहीं तो ऐसी तैसी कर देंगे पुलिस वाले। चलो ये ले आया अपन गाड़ी यहाँ पे और गाड़ी कर दिए पार्क। ये अपनी गाड़ी हो गई पार्क। भाई इसका कांच वाँच बिछड़ गया है। चलो इसको तो खैर कोई नहीं मैं सर्विसिंग पे भेज दूंगा।
तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।